हे वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू द मिडनाइट बायोलॉजी। सो आज का जो टॉपिक है वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एंड टुडेज टॉपिक विल गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन। क्यों? क्योंकि आज हम बात करेंगे इस टॉपिक के थ्रू कि हमारी एनवायरनमेंट में, हमारे अर्थ के ऊपर की ऑर्गेनिजम्स की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की के अंदर क्या क्या डाइवर्सिटी है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी चीज क्या है, क्या किसे कहते हैं हम डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नताएं, यानी एक चीज की अलग अलग टाइप्स, वेरियस टाइप्स। ठीक है, इसको हम बायोडाइवर्सिटी भी बोल सकते हैं। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी, मतलब हम जो इस डाइवर्सिटी में विभिन्नताओं के बारे में बात करने वाले हैं वो बायो से रिलेटेड है, यानी बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। सो डाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया। सो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, एक एरिया के अंदर किस टाइप्स की, कितने कितने डिफरेंट टाइप्स की वैरायटीज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिल रहे हैं, वो कहलाती है डाइवर्सिटी। फॉर एन एग्जाम्पल कि हम अगर देखें तो हमारा, हम एक पर्टिकुलर किसी इंडिया में रह रहे हैं, तो इंडिया के अंदर हम क्या देखते हैं कि हमारे पास एक ही ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट वैरायटीज हैं। फॉर एन एग्जाम्पल हमारा जो सबसे बेस्ट चीज है क्रॉप के अंदर, ठीक है, तो क्रॉप के अंदर हमारी सबसे बेस्ट चीज थी राइस। ठीक है, तो राइस जो है हमारे पास इंडिया, इंडिया के अंदर ही 1000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटीज है हमारे पास। ऐसा ही आप एक और क्रॉप देखते हो जिसका नाम है हमारे पास मैंगो। मैंगो की अगर आप वैरायटीज की बात करें तो हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटीज हैं। कोई दशहरी है, कोई तोता है, कोई लंगड़ा है, ये सारी डिफरेंट वैरायटीज ऑफ अल्फेंजो है मैंगो। तो मैंगो की वैरायटीज हैं, राइस की वैरायटीज हैं। ठीक है, और हमारी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइस जो हमने इंडिया ने दिया है वो है बासमती। सो हमारे पास अगर डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज है तो उसे हम कहते हैं डाइवर्सिटी ऑफ दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म, उस पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी उस पर्टिकुलर राइस की, मैंगो की या किसी जानवर की वैरायटी, और उस एरिया के अंदर, और एरिया मतलब हमारा इंडिया। ओके, सो टाइम बायोडाइवर्सिटी तो जो थी दैट वाज कॉइंड बाय वॉल्टर जी रोजन। जो वॉल्टर जी रोजन थे उन्होंने सबसे पहले टर्म यूज करी थी बायोडाइवर्सिटी। ओके, सो Why do we classify organisms? हम organisms को classify ही क्यों करते हैं? क्या ज़रूरत है हमें different different organisms को classify करने की? Classify मतलब हमें उसको देखने की, organize करने की, उसको study करने की क्यों ज़रूरत है? क्यों हम अलग अलग categories बना रहे हैं, ये सब कर रहे हैं? So, हमारे पास insects हैं, different types के insects हैं, जैसे कि cockroaches, कोई राम का घोड़ा, कोई अलग कैटरपिलर्स, ये सब हमारे पास बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं। डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स हैं, डिफरेंट वॉर्म्स हैं, बर्ड्स हैं, मराइन ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि फिश। ओके, सो ये हमारे पास डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, और इन डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम क्या करना चाहते हैं, क्लासीफाई करना चाहते हैं। अब क्लासिफाई कैसे करना चाहते हैं? अब हम बोलें कि ये भी एक क्या करती है, फ्लाइंग करता है। ये जो हमारे पास, ये फॉर एन एग्जांपल ये हमारे पास बी है, ठीक है, एक मक्खी, फॉर से ये दिख भी रही हनी बी की तरह, तो हनी बी है, और एक हमारे पास यहाँ पे एक बर्ड है। ओके, दोनों का अगर आप देखो तो ये भी फ्लाई करती है और ये भी फ्लाई करती है। ओके, बट देर इज अ मेजर डिफरेंस इन बिटवीन दीज टू ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इन दोनों ऑर्गेनिजम्स के बीच में डिफरेंस है बहुत सारी चीज़ों का, इसके साइज का, इसके सेल स्ट्रक्चर का, इसकी ऑर्गेनाइजेशन का। ओके, सो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सेट्स हैं जिसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि भैया ये अलग है, ये अलग है। ऐसे ही हमारे पास सिर्फ इन्हीं का नहीं, हमारे पास ढेरों ऑर्गेनिजम्स हैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के दैट आर क्लासिफाइड। उनको अलग अलग करने के लिए हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत है। सो हम क्या करते हैं, हमने अपनी स्टडी को इजी करने के लिए अलग अलग चीज़ों में बांट दिया। ठीक है, कुछों को मछलियों में बांट दिया, जैसे कि मराइन स्पीसीज में जो पानी में रहते हैं। ठीक है, कुछों को हमने एम्फीबियंस की तरह ट्रीट किया जो लोग दोनों पे रहते हैं। ठीक है,
मतलब लैंड्स पे भी रहते हैं और पानी में भी जाते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जो क्या करते थे, फ्लाई करते थे, तो हमने उनको अलग एक कैटेगरी में बांटा। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो हमेशा हमेशा क्या रहते थे, टेरेस्ट्रियल, मतलब लैंड पे रहते थे, वो जमीन पे रहते थे, ठीक है। तो ये सब जब हमने बांटा तो हमने एक चीज और भी देखी कि जो लाइफ ऑन अर्थ थी, लाइफ ऑन अर्थ वो कैसे ओरिजिनेट हुई है, ओरिजिन क्या है, हम किससे बने हैं, तो और ओरिजिन हमारा, उसके बाद में इवोल्यूशन कैसे हुआ है, हम कैसे डिफरेंट डिफरेंट चीजों में डेवलप हुए हैं। तो इससे समझ में आया कि सबसे पहले मराइन्स थे, मराइन्स के बाद में कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हुए जो भैया दोनों पे रह रहे थे, पानी पे भी रह रहे थे और लैंड के ऊपर भी रह रहे थे, ठीक है। फिर उन्हीं ऑर्गेनिजम्स में मॉडिफिकेशन हुई, इवोल्यूशन आया, कुछ लोग उड़ने लगे, कुछ ऑर्गेनिजम्स उड़ने लगे और फिर कुछ ऑर्गेनिजम्स लैंड पे रहने लगे। तो हमें क्लासिफिकेशन से सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करना नहीं आया, बल्कि हमें ऑर्गेनिजम्स का ओरिजिन भी समझ में आया और इवोल्यूशन भी। ओके, सो क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, कि उनके अंदर कितनी ज्यादा सिमिलैरिटीज है, यानी चीजें मिल रही हैं और कितनी चीजें उनके अंदर मिल नहीं रही हैं, उसके हिसाब से हमने उनके अलग अलग ग्रुप्स बनाए हैं। जैसे कि सारे के सारे पानी वालों को हमने एक ग्रुप के अंदर रखा, जो लोग दोनों पे रह रहे थे लैंड और वाटर पे उनको हमने अलग ग्रुप में रखा, जो उड़ने वाले थे उनको अलग ग्रुप में रखा, जो सिर्फ लैंड पे रहने वाले थे उनको अलग ग्रुप में रखा, ऐसे अलग अलग ग्रुप्स में रखा। इसी को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। ओके, सो अब हम इस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं, इसको समराइज करते हैं कि किस तरीके से होता है क्लासिफिकेशन का प्रोसेस। सो क्लासिफिकेशन सिंपली इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। वी कैन अंडरस्टैंड सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एट अ ग्रुप लेवल विदाउट हैविंग स्टडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिजम्स। तो हमें एक ग्रुप लेवल पे हम समझ सकते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म क्या है, उसके अंदर क्या मिलेगा, जबकि हमें उस ऑर्गेनिज्म को पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा। अब इस को अगर हम देखें तो हमें इस ग्रुप के अंदर मछली आएंगी, ये मछली के बारे में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है इस ग्रुप के अंदर वो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कहाँ रहते हैं, वाटर के अंदर रहते हैं, यानी उनको क्या चाहिए, लिक्विड मीडियम चाहिए, वाटर मीडियम चाहिए। तो हमें एक ऑर्गेनिज्म की बजाय सभी ऑर्गेनिजम्स का पता चल जाता है कि भैया ये लोग यहीं पे रहने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन क्रिएट्स ग्रुप हैविंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस मेक इट इजी टू अलोकेट न्यूली फाउंड ऑर्गेनिजम्स इन अप्रोप्रिएट ग्रुप। तो हम क्लासिफिकेशन हमें ये बताती है कि जो एक नया ऑर्गेनिज्म मिला, मान लो एक हमारे पास फिश थी और अब हमें एक ऑक्टोपस भी मिल गया, ठीक है। जब हमें ऑक्टोपस मिला तो हम ये बता सकते हैं कि ये भी किसके अंदर आएगा, ये भी पानी वाली स्पीसीज के अंदर आएगा। तो हमारे लिए इजी हो गया, जो नए नए ऑर्गेनिजम्स मिल रहे थे उनको एक ग्रुप के अंदर ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर रखने का। सेकेंड, क्लासिफिकेशन हेल्प अस टू कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। सो क्लासिफिकेशन हमें ये बताता है कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को कंपेयर कर सकते हैं हम और उनके बीच में डिफरेंसेस बता सकते हैं कि भैया ये था और ये ऐसे था। जैसे कि हमें क्लासिफिकेशन ये बताती है कि ये पानी में रहते हैं और ये लोग हवा में उड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ ऑर्गेनिजम्स हैव इवॉल्व्ड, कि कैसे वो ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुआ है। जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स मिलते थे वो पानी में मिलते थे, और कैसे बाय स्टेप हम इवॉल्व हुए हैं, हम ग्रोथ करें, हमने हमारे अंदर बदलाव आए हैं, ठीक है। सो नाउ लेट अस मूव ऑन क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन, कि हम क्लासिफिकेशन करते जाएंगे, उसको डीपली और देखते हैं और हम टर्म समझेंगे इवोल्यूशन क्या होता है। ओके,
कि किसे कहते हैं इवोल्यूशन। सबसे पहले अगर इस इमेज से देख पा रहे हो कि हमें पानी में मिलने वाले ऑर्गेनिजम्स मिल रहे थे, फिर कुछ ऑर्गेनिजम्स हवा में उड़ने लगे, वही ऑर्गेनिजम्स उड़ते उड़ते हवा में बर्ड्स में बन गए इंसेक्ट्स, और कुछ लोग सिर्फ जमीन पे चल रहे थे तो वो सिर्फ जमीन और पानी दोनों पे रहने लगे, और देखते ही देखते ऐसे ऑर्गेनिजम्स मिले जो सिर्फ किस पे चल रहे थे, जमीन पे। तो ये है इवोल्यूशन, इवॉल्व होना। ओके, सो नॉट ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स दैट वी सी टूडे हैव ऑलवेज एग्जिस्टेड। क्या जो आज हम देखते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हमें हम देख रहे हैं कि आज हमें क्या मिल रहा है, एक ऑर्गेनिज्म मिल रहा है, फॉर एन एग्जाम्पल हमें टाइगर देखने को मिलता है, क्या हमें, क्या ये टाइगर आज से 2,000 लाख साल पहले या 1 बिलियन ईयर पहले, 1 बिलियन साल पहले क्या ये टाइगर मिलता था? क्या हम बता सकते हैं ये सब चीज़ें? क्या हम बोल सकते हैं कि जो आज मिल रहा है वो तब भी था? नहीं। अगर हम ह्यूमंस की बात भी करें, जो आज हमें इंसान देखने को मिलते हैं, ह्यूमंस भी तो आज मिल रहे हैं, आज देखने को मिलते हैं। क्या वो 1 बिलियन 2 बिलियन साल पहले मिलते थे? नहीं, उस टाइम पे हम ह्यूमंस बने ही नहीं थे, तब तक हम हो सकता किस में थे, हम चिंपैंजीज के अंदर घूम रहे थे, ठीक है। तो ये जो फर्क है, ये जो क्लासिफिकेशन है इवोल्यूशन, ये हमें बताता है कि भैया जो आज मिल रहा है ना वो कल नहीं था। इसके लिए हम देखते हैं, जैसे कि हमारा जो अर्थ है ना वो लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स अगो बना था, ठीक है। ऐसी थ्योरीज हमें देखने को मिली और वो फैक्ट्स, वो थ्योरीज करेक्ट थी, ठीक है। फिर हमें पता चला, हमने इसको अलग अलग ईयर वाइज बांटा हुआ है, ठीक है, कि आज हमारा प्रेजेंट डे है यानी जीरो, और उससे 1 बिलियन पहले 2 बिलियन पहले 3 बिलियन, और ऐसे हम देखें कि हमारा अप्रॉक्सीमेटली 4.5 बिलियन ईयर्स पहले हमारा अर्थ बना था, ठीक है। फिर हमने देखा अर्थ बनते के साथ ही ऑर्गेनिजम्स नहीं बने कि जैसे ही अर्थ बना वहां पे ह्यूमंस आ गए, नहीं, धीरे धीरे लाइफ फॉर्म बननी शुरू हुई। लाइफ क्या हुई? ओरिजिनेट हुई, यानी कि लाइफ आई। तो आई किस फॉर्म में? बैक्टीरियल फॉर्म में, जो कि 3.5 बिलियन ईयर्स हो, यानी इसको करने करने में 1 बिलियन ईयर्स खत्म हो गए। फिर हमें 2.1 बिलियन ईयर्स अगो हमें मिले पहला फोटोसिंथेटिक सेल, यानी कि सबसे पहले खुद खाना बनाने वाला, लाइट की मदद से खुद खाना बनाने वाला पहला सेल मिला, एल्गी की फॉर्म में, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हमें मिले जो खुद खाना बना रहे थे बाय यूजिंग एनर्जी ऑफ सन। उसके बाद में हमें ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में हमें ऑर्गेनिजम्स मिले जिसके अंदर अलग अलग टाइप की इवोल्यूशन था, अलग अलग टाइप की डेवलपमेंट्स थी। जैसे कि हमें 1 बिलियन ईयर्स अगो पहला प्लांट मिला, 450 मिलियंस ईयर्स अगो हमें मराइन स्पीसीज यानी मछलियां मिलनी शुरू हुई, 300 मिलियन ईयर्स अगो 300 लाख साल पहले हमें क्या मिला था, पहले लिजर्ड्स मिले, हमें रेप्टाइल्स मिले, ठीक है। और लगभग 6 मिलियन ईयर्स अगो एक ह्यूमन बॉडी डेवलप हुई थी चिंपैंजी से। तो हमारा जो ओरिजिन है, हमारा जो बने हम जो सबसे पहले दिखे थे इस अर्थ पे, तो उसको लगभग 6 मिलियन ईयर्स अगो हो गए, यानी कि 60 लाख साल हो गए हैं ह्यूमंस को इस धरती पे बने हुए, ठीक है। तो ह्यूमंस डायरेक्टली नहीं आए थे, अलग अलग स्टेप से होते हुए हम यहाँ पे पहुंचे हैं, ओके। सिमिलरली हम अगर देखें तो इवोल्यूशन के जिस, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि जो आज के टाइम पे मॉडर्न हॉर्स मिल रहा है ना, वो एक्चुअली इस हाइट का नहीं था। ये 6 फीट की जो हाइट अगर हमें मिलती है आज देखने को, वो हमेशा 6 फीट की हाइट का नहीं था। वो स्टार्टिंग में जो इओफाइपस जो मिलता था हमें, वो बहुत ही छोटा था, हमारी डॉग की साइज का था, जो आज हमें कुत्ते देखने को मिलते हैं ना उस साइज में था। और जैसे जैसे उसकी ये जो लिंब थी, ये जो पांव थे, टांगे थी, ये जो जैसे जैसे उनके अंदर ग्रोथ होती गई, उनके अंदर डेवलपमेंट होती गई, वो स्ट्रांग होते गए, और ऐसे ऐसे हमें अलग अलग
हॉर्स के अंदर चेंजेस देखने को मिले। जो पहले सिर्फ 1 फिट का मिलता था, वो आज हमें 6 फिट का देखने को मिलता है। ठीक है, ये है इवोल्यूशन। सो अब बात आती है चार्ल्स डार्विन। ये भाई साहब कौन है? चार्ल्स डार्विन हमारे किसके फादर हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फादर ऑफ इवोल्यूशन। फादर ऑफ इवोल्यूशन, कि इवोल्यूशन बदलता गया, देखते गए। वो कौन था? ये भाई साहब थे चार्ल्स डार्विन, जिनका नाम है। बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि किसने बताया कि इवोल्यूशन नाम की भी कोई चीज थी, कि लोग बदले हैं, डेवलपमेंट हुई है। उसने कहा चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने कहा हमेशा एक ऑर्गेनिज्म क्या होता रहता है, रेस में चल रहा है। रेस किसके साथ है? उसकी एनवायरमेंट के साथ। जो एनवायरमेंट के साथ जब रेस चल रही है, उसके अंदर जो लोग, जो इंसान, जो ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा फिटेस्ट है, वो ही सरवाइव करेगा। जो उस टाइम पे उस एनवायरमेंट के साथ फिट नहीं है, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा और वो मर जाएगा। इसीलिए इसने बोला सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी चार्ल्स डार्विन ने दी। सो जो हमें पहले ऑर्गेनिजम्स मिलते थे, वो क्या आज के ऑर्गेनिज्म जैसी सेल्स वाले थे? नहीं, उनके अंदर सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ करती थी। जैसे कि हम बैक्टीरिया के अंदर पढ़ते हैं, बैक्टीरिया क्या था? ये क्या है? सिंगल सेल है, एक ही सेल है, एक ही सेल है, और इसी सेल को हम एक ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं, जैसे कि बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो जो पहले मिलता था, अब वैसा नहीं मिल रहा है। अब हम क्या मिल रहे हैं? अब हमें ह्यूमंस मिल रहे हैं। और ह्यूमंस में क्या है? सिर्फ एक सेल नहीं है, सेल से जुड़ के बना टिश्यू है, टिश्यू से जुड़ के बना ऑर्गन है, और ऑर्गन से जुड़ के बना हमारा ऑर्गन सिस्टम है, और इस ऑर्गन सिस्टम की वजह से जो बना है, वो है हमारा एक ऑर्गेनिज्म। पहले हमें सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म मिल रहा था, अब हमें मल्टी सेल और मल्टी सेलुलर लेवल्स कॉम्प्लेक्सिटी वाला ऑर्गेनिज्म मिल रहा है। सो ये है हम दोनों के बीच का डिफरेंस। इसे कहते हैं कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, बदलाव। सो इट इज पॉसिबल टू स्टडी ईच ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म। क्या हम पढ़ सकते हैं इस हर एक ईच एंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स को? यस, हम पढ़ सकते हैं, एकदम से नहीं पढ़ सकते, बट इसी वजह से हम इसकी स्टडी ईजी हो जाए, तो हमने क्या करा, क्लासिफिकेशन लेके आए, और क्लासिफिकेशन से हमने जो सिमिलर देख रहे थे, जो एक सेल वाले थे, यूनिसेलुलर्स को अलग कर दिया, ऑर्गेनिजम्स मल्टीसेलुलर्स को अलग कर दिया, वायरसेस बैक्टीरियास को अलग कर दिया। ठीक है, प्लांट्स को, यानी जो खुद खाना बना सकते थे, उनको हमने अलग कर दिया, और जो छोटे छोटे फंजाइज दिखते थे हमें, फंगस दिखता था हमें, उनको हमने अलग कर दिया। ठीक है, इस हिसाब से हमने 5 डिफरेंट कैटेगरीज बना दी हैं। ठीक है, इन कैटेगरीज को हम आने वाली अलग अलग वीडियोस में स्टडी करेंगे। सो क्लासिफिकेशन जो सिस्टम है हमारा, क्लासिफिकेशन सिस्टम हमारा सिंपली स्टडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो सबसे नीचे हमें जो ऑर्गेनिज्म मिलता है, जिनके अंदर सभी के अंदर सिमिलैरिटी होती है, वो होता है किंगडम। किंगडम से फाइलम में जाते हैं, फाइलम से क्लास में जाते हैं, क्लास से ऑर्डर में, ऑर्डर से फैमिली, फैमिली से जीनस, और जीनस से स्पीसीज। ठीक है, अगर आप नीचे जाओगे तो आपको काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज एक जैसी देखने को मिलेगी। दो ऑर्गेनिज्म है, अगर ये चार ऑर्गेनिज्म थे, चारों ऑर्गेनिज्म के बीच में आप ये नहीं बता सकते कौन क्या था, सब एक जैसे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। पर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, हमें पता चलेगा कि एक प्लांट है, एक बैक्टीरिया है, और एक ह्यूमंस है। अलग अलग हमें चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसको इसी ऑर्डर में याद रखना चाहिए हमें, क्लियर। और इसको इस ऑर्डर में याद रखने के लिए आई विल गिव यू अ सिंपली ट्रिक, जिसके हम सबका एक एक इनिशियल्स आगे याद रख लेंगे। तो के पी, पी के बाद आता है सी, सी के बाद आता है ओ, ओ के बाद आता है एफ, एफ के बाद आता है जी, और उसके बाद आता है एस। तो इसको एक सेंटेंस में बनाएंगे, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। ठीक है, अगर ये सेंटेंस याद रख लिया, तो सबसे पहले क्या आते हैं, किंगडम, किंगडम के बाद
फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, क्लास के बाद में ऑर्डर, ऑर्डर के बाद में फैमिली, फैमिली के बाद में जीनस, जीनस के बाद में स्पीसीज। तो जब हमने ऐसे देखा तो सबसे नीचे क्या मिल रहे थे, यूकैरियोट्स, यानी जो सबके सब क्या है, मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें क्या आ गए, प्लांट्स भी आ गए, इंसेक्ट भी आ गए, फिश भी आ गया, रैबिट भी आ गया, कैट भी आ गया, फॉक्स भी आ गया, वॉल्फ भी आ गया, डॉग भी आ गया। अब जैसे जैसे हम ऊपर जाते गए, हमें इनके अंदर डिसिमिलैरिटीज दिखती गई और हमने इनको अलग अलग कैटेगरीज में डालना शुरू कर दिया। एंड में हमें पता चला कि एकदम स्पेसिफिक सबसे डिफरेंट चीज है हमारे पास वॉल्फ। वॉल्फ अगर जीनस की बात करो तो सेम जीनस में आता है कैनिस, उसी में वॉल्फ भी आता है और उसी में डॉग भी आता है। बट क्या वॉल्फ और डॉग में सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटीज नहीं है? है। तो इसीलिए वॉल्फ का स्पीसीज अलग हुई और वो स्पीसीज थी लूपस। आई बात समझ में? सो ये है क्लासिफिकेशन। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे, आपने डिसिमिलैरिटीज के आधार पे डब्बों में अलग अलग लोगों को भरना शुरू कर दिया। जैसे यहाँ पे प्लांट्स थे, ठीक है, यहाँ पे एनिमेलिया आ गया, एनिमेलिया के अंदर आते क्या हो गए, प्लांट्स गायब, क्योंकि ये किससे डील करेगा, एनिमल किंगडम से। एनिमल किंगडम में फिर इंसेक्ट, रैबिट, फिश, फॉक्स, कैट, ये सब आए। पर हमने फिर क्या करा, कोर डेटा, यानी जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी है, अब भैया इंसेक्ट में तो थी नहीं, तो इसीलिए हमने इसको रिमूव कर दिया। अब ऐसे ऐसे हमने करके अलग 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 के अंदर ऊपर गए स्पेसिफाई होने के लिए। सो इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन आर कनेक्टेड, बिल्कुल। जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ वैसे वैसे क्लासिफिकेशन बदली, और क्लासिफिकेशन के हिसाब से हमने जोड़ पाए हैं हर एक ऑर्गेनिज्म की ओरिजिन को। Organisms that evolved earlier have much simpler characteristics than organisms that evolved later. ठीक है, जो organisms पहले थे, यानी कि ये जो organism था यहाँ पे, ये bacteria, bacteria बहुत ही simple organization थे, ठीक है, bacteria के अंदर बहुत simple organization थी। But अगर man की बात करो, क्या simple organization है? नहीं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि bacteria एक single cell वाला है और एक ह्यूमन एक मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन वाला है। इसमें पेट, फेफड़े, किडनीज, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, बहुत चीज़ें, बस बट इसमें तो सिर्फ एक सिंगल सेल है, यही सब कुछ करती है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप ऊपर आओगे, जैसे जैसे जो बाद में बने हैं उनके अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई है। तो जो पहले थे वो बहुत सिंपल थे और जो बाद में डेवलप हुए हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स हुए। ओके, सो लास्ट थिंग इज द कॉम्प्लेक्सिटी इन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बॉडी डिजाइन इंक्रीजेज वी मूव अलोंग द इवोल्यूशनरी टाइमलाइन। तो जैसे जैसे हम इवोल्यूशनरी टाइमलाइन से आगे बढ़ते जाएंगे, हमें कॉम्प्लेक्सिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ती हुई नजर आएंगी। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। आई होप ये आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा हो, अच्छी पिक्चर्स यूज़ करी, बहुत ही अच्छे से इंटरेस्टिंगली समझ में आया होगा कि कैसे कैसे हम ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो रहे हैं। इफ़ इट इज़ सो, प्लीज़ गिव अ 100% लाइक, प्लीज़ लाइक दिस चैनल, शेयर दिस चैनल विद योर फेलो क्लासमेट्स, आसपास में जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे उनको दिखाइए ये वीडियोस, ये चैनल को शेयर करिए, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, दैट इज़ Midnight Biology. Okay, Midnight Biology. Thank you. Keep watching, keep supporting. Thank you guys.